खबर अगली इंदौर से, जहां पर निगम आयुक्त ने एलएनटी कंपनी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल जहां कंपनी ने पाइपलाइन लगाने के लिए गड्ढे कर दिए, तो वहीं अब बरसात में इन गड्ढों पर पानी भर चुका है। पिछले दिनों इस गड्ढे में एक नाबालिग बच्ची गिर गई थी, जिससे बड़ी मशक्कत से उसे निकाला गया था। उसके बड़े भाई ने उसे बाहर निकाला। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। इसके बाद निगम आयुक्त कंपनी पर कार्रवाई कर चुका है। आपको बता दें कि बड़ा एक्शन बच्ची के गड्ढे में गिरने के बाद निकला है। अब बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग जिले में बुलडोजर लगातार एक्टिव मोड पर है। गोलीकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद अब दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस के साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अवैध कब्जे पर एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई की और जिले के शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर पिंकी राय के ऊपर, जिसके ऊपर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उसके ढाबे पर बुलडोजर चलाया है। पिंकी राय लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र की जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ था और दुकान के साथ ही ढाबा भी संचालित कर रहा था। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। बता दें आपको, इस दौरान 50 से ज्यादा जवान और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इधर से देना था भैया, थोड़ा इसे पूछो, हले बता चल गा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुर्ग से दो तस्वीरें जहां पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। पिंकी राय, जो कि आदतन अपराधी है, 20 से ज्यादा मामले इस आरोपी पर दर्ज है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। बुलडोजर वाला एक्शन पिंकी राय के ढाबे पर हुआ, उनके मकान पर हुआ है। अवैध रूप से कब्जा किया गया था। बीएसपी की जमीन पर पिंकी राय ने कब्जा किया था, जिसे अब प्रशासन ने ढा दिया। और बड़ी बात यह रही कि 50 से ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद रहे। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कार्रवाई की गई है। बड़ा दावा किया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पिंकी राय के ढाबे को गिराया गया है।